division of units. देखिए वैसे तो आप यूनिट पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो लेंथ की यूनिट्स हैं वो मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर उससे बड़ी मीटर है, फिर उससे बड़ी किलोमीटर है ना। जो हमारे पास यूनिट चलती हैं मोस्टली जो हम लेंथ में यूज करते हैं, लेंथ में वो मिलीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, फिर मोस्टली मीटर और फिर किलोमीटर। ये मोस्ट पॉपुलर यूनिट्स हैं जो लेंथ में यूज की जाती हैं। अगर हम इनके इंटर कन्वर्जन की बात करें तो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी मिलीमीटर छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर उससे बड़ी यूनिट है, ठीक है। उसके बाद जो 100 सेंटीमीटर हैं वो मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, और उसके बाद जो 1000 मीटर है वो मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं, ठीक है। यह है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इन लेंथ। लेकिन अगर हमें कन्वर्जन करना है यूनिट्स का लेंथ में नहीं एरिया में, तो जो एरिया होगा हमारे पास वो मिलीमीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में होगा। तो उस कंडीशन में जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो दोनों को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमारे पास एरिया है, एरिया, तो जो हमारे पास यूनिट होगी वो मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर का वास्तव में मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर एक लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही दूसरी लेंथ है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है, एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर भी 10 मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा और ये 1 सेंटीमीटर भी 10 मिलीमीटर में, यानी ये 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, न कि 10 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। व्हेन वी कन्वर्ट द यूनिट इन द एरिया देन वी मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है, यानी 2 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर की 2 यूनिट की मल्टीप्लाई हुई है, तो हमें दोनों सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, मिलीमीटर में। तो 10 मिलीमीटर इसमें और 10 मिलीमीटर इसमें, यानी 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसे ही मान लीजिए मुझे कन्वर्ट करना है 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब क्या है 1 मीटर और इनटू 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर और इनटू 100 सेंटीमीटर इंप्लाइज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, न कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो एरिया की इससे बड़ी यूनिट है दैट इज एयर एंड हेक्टेयर, दैट इज एयर एंड हेक्टेयर। देखिए एक एयर में 100 स्क्वायर मीटर होते हैं, एयर एरिया की यूनिट है, एरिया की, एरिया की जो मीटर स्क्वायर से बड़ी यूनिट है वो किलोमीटर स्क्वायर में नहीं लिया जाता, उसके बाद एयर में लिया जाता है एयर, ठीक है। एयर की हमारे पास जो यूनिट है वो 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, और इससे भी बड़ी यूनिट है फिर ए आर ही लिखते हैं, ए आर, और जो इससे बड़ी यूनिट है फिर वो है हेक्टेयर। हेक्टेयर जो बड़ी यूनिट है वो हेक्टेयर में कन्वर्ट की जाती है, और एक हेक्टेयर में 100 एयर, और इसका मतलब 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो यानी जब भी हमें मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा एयर में तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे किसी भी एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स का कन्वर्जन है कि किस तरीके से हम एरिया की यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आज हम बात करेंगे, हाँ बोलिए, के पास कि मोस्टली पार्क के चारों तरफ आपको घूमने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस दिया जाता है ना। अंदर अंदर जो घास है उसका लोन होता है, ग्रास लोन, और चारों तरफ एक पक्का सीमेंटेड पाथ आपको दिया जाता है कि यहाँ ये घूमने के लिए है। या ऐसे ही मान लीजिए कोई रूम है, उसके चारों तरफ एक स्पेस दिया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्पेस है। कोई पिक्चर फ्रेम है उसमें मार्जिन छोड़ दिया जाता है पेंटिंग के लिए। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां हमारे पास दो रेक्टेंगल बनते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए पहले हम पार्क की बात करते हैं, पार्क की, पार्क है आपको और उसमें गिविन है कि हमें जो है चारों तरफ घूमने के लिए पाथ बनाना है और उस पाथ का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ और रोड,
पाथ और रो। भैया अब फोन नंबर क्या डालूं इसमें? इसमें दो कंडीशन है है, ऐसी पाथ ऐसा रोड जो किसी भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पार्क के चारों तरफ है। तो मान लीजिए इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहला तो ये है कि जब रोड या पाथ जो है वो आउटसाइड है, रोड इज आउटसाइड द पाथ, रोड इज आउटसाइड द पाथ। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे कोई रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे पास ए बी सी डी, ये ए ये बी ये सी और ये डी। मैं कहता हूं इस पार्क के चारों तरफ बाहर की साइड एक रोड बनानी है मुझे, और उस रोड की जो विड्थ है वो 2 मीटर है। तो एक बड़ा रेक्टेंगल और बन गया रोड, सही। दिस इज पी क्यू आर एस। मुझे इस रोड का एरिया फाइंड आउट करना है, इस रोड का, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ दो रेक्टेंगल बनते हैं, एक रेक्टेंगल तो अंदर वाला है ए बी सी डी और एक रेक्टेंगल बाहर वाला है पी क्यू आर एस। इन दोनों के बीच में रोड है, तो अगर मैं बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दूंगा तो मुझे रोड का एरिया मिलेगा या पाथ का एरिया मिलेगा। यानी जो एरिया ऑफ रोड होगा दैट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी डी साइड है वो मुझे गिवन है कि ये 50 है और ये 40 है। मान लीजिए गिवन है कि ये 50 है और ये 40 है। तो मेरे पास जो पहला काम है, अब ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, जब तक मुझे इसकी लेंथ और ब्रेड पता नहीं चलेंगी मैं इसका एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। अब इस पी क्यू को आप देखिए, इस पी क्यू में ये 2 तो इधर बड़ी है रोड और 2 इधर, भाई जो ए बी है उस ए बी में 2 तो इधर बढ़ गया क्योंकि सब जगह रोड की चौड़ाई 2 है और 2 इधर, यानी ये पी क्यू 50+4 है, यानी जो रोड की चौड़ाई है वो दुगनी बढ़ती है। तो पहले हम पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गई, 50+2+2। देखिए दो बार में प्लस टू क्यों किया, एक 2 तो इधर बढ़ा और एक 2 इधर, ठीक है। तो ये हो गई 54। फिर हमने ये निकाली क्यू आर, सेम ऐसे ही 2 तो इधर बढ़ी और 2 इधर, तो 40 थी पहले, 2 इधर बढ़ी और 2 इधर, अब कितनी हो गई 44। तो अब एरिया ऑफ हमने पी क्यू आर एस निकाल लिया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की लेंथ 54 और ब्रेड्थ 44, मल्टीप्लाई कर दी 54 44, 4 4 16, 1 4 5 20 और 1 21, फिर 4 4 16 और 4 5 20 और 1 21, 6 7 3 2। यानी जो इसका एरिया है पूरे बाहर वाले रेक्टेंगल का वो 2 3 7 6 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हुआ, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी की लेंथ 40 है अंदर वाले की और जो ब्रेड्थ है वो 50 है, यानी 2000। तो इस बाहर वाले पूरे रेक्टेंगल का एरिया 2 3 7 6 मीटर स्क्वायर है और जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया 2000 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों के बीच में क्या है, पाथ। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस और माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। पी क्यू आर एस का एरिया 2 3 7 6 और ए बी सी डी का एरिया 2000, यानी 376 मीटर स्क्वायर एरिया है इस पाथ का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर हमें अंदर वाली साइड गिवन है, बाहर वाली निकालनी है, तो जो भी हमारे पास विड्थ ऑफ द रोड है हम उसको दो बार प्लस करते हैं, इधर भी ऐसे ही ब्रेड्थ में भी दो बार प्लस करते हैं। इससे हमें बाहर वाले रेक्टेंगल की साइड मिलती हैं, फिर हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, अंदर वाले का, और दोनों को माइनस करते हैं। लेकिन अगर हमें रोड अंदर बनानी है, ये तो क्या था जब रोड आउटसाइड थी, है ना। अगर हम कहते हैं नहीं पार्क के बाहर तो स्पेस ही नहीं है, हमें पार्क के अंदर अंदर रोड बनानी है, तो सेकंड केस देखिए, सेकेंड केस क्या है हमारे पास में, रोड इज इनसाइड, रोड कहाँ है, इनसाइड है। तो क्या होगा,
पहले हमें पार्क गिविन है भाई, ये पार्क है, इस पार्क की जो लेंथ है वो 60 है और जो ब्रेड्थ है वो 50 है, मान लीजिए, है ना। मैं कहता हूं इसके अंदर रोड बनाओ, तो यहां ये पार्क और छोटा हो गया, है ना। हमें बाहर वाले डायमेंशन गिविन है इस बार, और हम कहते हैं जो रोड की विड्थ है वो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। हमें एरिया ऑफ इस पाथ का एरिया निकालना है। ये बाहर वाला रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है और जो अंदर वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी है। इस बार मुझे बाहर वाली साइड तो पता है पहले से ही, मुझे अंदर वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो उल्टा, पिछली बार हमने बाहर अंदर वाली छोटी है, बाहर वाली बड़ी है, पहले हमने बाहर अंदर से बाहर निकाल ली थी, प्लस किया था। अब बाहर वाली 60 है, 5 तो ये माइनस हुआ और 5 ये, क्योंकि हमें विड्थ 5 गिवेन है, तो माइनस होगा इस बार, ये ध्यान रखना है। अगर हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी तो 60 बाहर वाली साइड, 5 माइनस 5 दुगना माइनस, 5 इधर से 5 इधर से, 60 माइनस 10 यानी 50 मीटर। ऐसी जो विड्थ है बी सी, जो बाहर वाली विड्थ है वो 50, 5 ये माइनस ये वाला और 5 ये वाला माइनस, तो इज इक्वल टू 50 माइनस 10 यानी 40। आगे का काम वही है, एरिया ऑफ पाथ तो वैसे ही निकलेगा, हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और अंदर वाले का। तो हमने एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाला, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस एल इन टू बी, एल क्या है पी क्यू आर एस की 60, बी क्या है 50, दोनों की मल्टीप्लाई 3000 मीटर स्क्वायर। अब अंदर वाले का एरिया निकाला एबीसीडी का, तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो गई, ए बी कितनी हुई 50, सी डी कितनी हुई 40, सी डी सॉरी बी सी यानी फिर 40 यानी 2000 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में क्या है पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बाहर वाला रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ अंदर वाला रेक्टेंगल यानी 3000 माइनस 2000 यानी 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कोई पार्क है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स निकालना है। मान लीजिए इस बार हमारे पास चारों तरफ कोई रोड नहीं है, लेकिन उसने बीचों बीच दो रोड बनाई है। एक रोड तो ये बनाई है जो बिल्कुल लेंथ के पैरेलल है, ठीक है, और एक रोड ये बनाई है जो बिल्कुल ब्रेड्थ के पैरेलल है, और दोनों एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। रेक्टेंगल है मतलब जो रोड है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर। ये कंडीशन है कि जो रोड है, पहली बात तो वो पैरेलल टू साइड्स है, रोड आर पैरेलल टू साइड्स, रोड आर पैरेलल टू साइड्स, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, रोड इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री, जहां रोड मिलती हैं वो 90 डिग्री पर मिलती हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें इन रोड का एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। देखिए एक रोड तो ये है, इसको बोलते हैं रोड अलोंग लेंथ, मतलब ये लेंथ के पैरेलल रोड है। एक रोड ये है, ये ब्रेड्थ के पैरेलल है। मान लीजिए मुझे ये गिवन है 50 और मान लीजिए मुझे ये गिवन है 40, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इस रोड की लेंथ होगी। भाई अगर इस पूरे पार्क की लेंथ 50 है, तो ये जो रोड जा रही है लेंथ के अलोंग, इसकी लेंथ भी क्या हुई 50। ऐसे ही जो ब्रेड्थ के अलोंग है उसकी लेंथ कितनी हुई 40। मान लीजिए जो विड्थ है वो 5 मीटर है, मान लीजिए जो विड्थ ऑफ रोड है, लेट जो विड्थ ऑफ रोड है वो मान लीजिए 5 मीटर गिवन है, तो हमने दोनों रोड का एरिया निकाला, बाकी को भूल जाइए। अब ये रोड क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, जितनी पार्क की लेंथ है 50, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर। तो एरिया ऑफ रोड अलोंग लेंथ यानी जो लेंथ के पैरेलल है कितनी है, इसकी लेंथ हो गई 50 और ब्रेड्थ 5, यानी जो ये 250 मीटर स्क्वायर है इस वाली रोड का एरिया। अब इस वाली रोड का एरिया जो ब्रेड्थ के अलोंग है,
तो एरिया ऑफ रोड अलोंग ब्रेथ वो कितना हुआ, ये 40, देखो ये 40 पूरी और 5 ये, तो 40 × 5 यानी ये 200 मीटर स्क्वायर हुआ। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई, जब हमने इस रोड का एरिया निकाला ये एरिया आया, जब हमने इधर से निकाला ये एरिया फिर भी आया, यानी ये एरिया दो बार ऐड हो गया कॉमन एरिया, तो हम इस कॉमन एरिया को माइनस करेंगे। अब ये कॉमन एरिया है क्या, ये 5 मीटर रोड और ये भी 5 मीटर, यानी ये 5 बाई 5 का एक स्क्वायर है, तो कॉमन एरिया, कॉमन एरिया कितना 5 × 5 यानी 25 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये इस वाली रोड का एरिया, ये इस वाली का, और ये कॉमन, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और कॉमन को माइनस, तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू जो 250 लेंथ के अलोंग प्लस 200 ब्रेड के अलोंग और -25। माइनस समझ गए क्यों किया, क्योंकि ये एरिया दो बार आ चुका है, जब हमने इधर से लिया तो भी आया और इधर से लिया तो भी आया, तो हमने इसको एक बार माइनस कर दिया, यानी 450 और -25 यानी 425 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड। अब हम चाहेंगे इसके लिए एक डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला बनाया जाए। देखिए अगर मैं कहूं, अब हम इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला तैयार करेंगे, मैं कहता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो बी है, और जो इसकी विड्थ ऑफ रोड है ये के है। विड्थ ऑफ रोड क्या है, के। हमने ये कह दिया कि लेट लेंथ ऑफ पार्क जो है वो एल है, यूनिट जो भी है मीटर, जो ब्रेड तो पार्क है वो बी है, और जो विड्थ ऑफ रोड है वो क्या है, के। तब रेड जो रोड है अलोंग लेंथ, रोड अलोंग लेंथ उसका एरिया क्या हुआ, एल और इनटू के एरिया ऑफ रोड है ना, और जो रोड है हमारे पास ब्रेड्थ कह लो, तो एरिया ऑफ रोड अलोंग ब्रेड्थ इसका एरिया क्या हुआ, बी इंटू के, और कॉमन एरिया क्या हुआ, कॉमन एरिया हो गया के इंटू के, तो पूरा एरिया ऑफ क्रॉस रोड, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल टू एल के प्लस बी के और माइनस के। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, स्क्वायर यूनिट, जहां एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, ब्रेड्थ है, और के क्या है, विड्थ ऑफ रोड है, तो आप डायरेक्टली यूज कर देंगे एल के प्लस बी के माइनस के, याद रहेगा। अरे नंबर 1 क्या है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट, है ना, ध्यान रखना है आउटसाइड है या इनसाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। देखिए गार्डन है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर है, 90 मीटर इसकी लेंथ है और 75 मीटर ब्रेड है, इसके चारों तरफ 5 मीटर का एक पाथ है, ये मान लीजिए जो अंदर वाला पार्ट था वो ए बी सी डी था और जो बाहर वाला रेक्टेंगल है वो पी क्यू आर एस है, ये जो विड्थ है ये 5 मीटर गिवन है। फिर वही करेंगे हम, पहले पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगी, 90 प्लस 5 प्लस 5, अंदर वाली गिवन है तो बाहर वाली बड़ी होगी ऑब्वियसली, यानी प्लस करना है, लेकिन डबल प्लस करना है, 5 इधर बड़ी और 5 इधर बड़ी, ठीक है, तो 90 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया, 100 मीटर। अब हमने ब्रेड निकाली क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो गई, 75 हमारे पास अंदर थी प्लस 5 और प्लस 5 यानी 85 मीटर।
फिर हमने एरिया बाहर का निकाला, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो पी क्यू की लेंथ 100 और इंटू 85 यानी 8500 मीटर स्क्वायर है। फिर हमने अंदर वाला एरिया निकाला, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी 90 और इंटू इसकी ब्रेड 75, तो 90, 95, 45 और 9763 और 467, इन दोनों के बीच में पाथ है, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी। तो पी क्यू आर एस का एरिया 8500, ए बी सी डी का एरिया 6750, 0, 10, 5, 5, 14, 7, 7 और 7, 6, 1, ठीक है, यानी 1750, 0, 10, 5, 5, 14, 7, 7, 7, 6, 1, ठीक है, 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ। अब एक चीज और पूछी है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन कौन है, एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया हमारे पास पहले से ही है, लेकिन हेक्टेयर में पूछा है, और हेक्टेयर के लिए हम क्या करते हैं, 100 × 100 से डिवाइड, है ना। तो जो पहले में गिवन है एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन वो कितना है, 6750 मीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया 100 × 100 से, तो क्या बन जाएगा, हेक्टेयर। हमने भी बात की थी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, तो 0 से 0 कैंसिल हुई, 3 0 मिली, इम्प्लाइड 0.675 हेक्टेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, गार्डन को हेक्टेयर में पूछा था, गार्डन के एरिया को हमने हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कोई कार्डबोर्ड है, इस पर एक पिक्चर बनाई गई है इस तरीके से, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, चारों तरफ 1.5 का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से पेंटिंग की गई है, ये पेंटिंग है, और ये जो पूरा मार्जिन है ये 1.5 सेंटीमीटर का है, तो हमें एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है, बात वही है। तो ये अंदर वाला ए बी सी डी है और बाहर वाला पी क्यू आर एस है। अब की बार हमें बाहर की साइड गिवन है, अंदर की निकालनी है, तो माइनस कर लेंगे जो ए बी है, ए बी क्या होगा, देखिए बाहर वाली 5 है, इसमें से 1.5 दो बार माइनस होगा, क्यों, 1.5 ये और 1.5 ये, ठीक है, तो 5 − 3 यानी 2 सेंटीमीटर हुई ए बी। फिर ऐसे ही बी सी, बी सी क्या हुई, ये पूरी 8 है, तो 8 में से 1.5 एक और 1.5 दूसरा, 1.5 ये और 1.5 ये, तो 8 − 3 यानी 5 सेंटीमीटर हुई बी सी। अब हम दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बाहर वाला लेंथ हो गई 5 और ब्रेड हो गई 8 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसकी लेंथ 2 और इसकी लेंथ 5 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर दिया एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। पी क्यू आर एस का एरिया कितना हुआ, 40 माइनस ए बी सी डी का एरिया 10 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है मार्जिन का एरिया, ठीक है।